नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये प्राइवेट इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है। देखो, दूर के ढोल सुहावने वो थे, आपने सुना जरूर होगा, और वो कहावत इस प्राइवेट इंडस्ट्री पे ना एकदम सही बैठती है कि प्राइवेट इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है। दूर के ढोल सुहावन का मैं मतलब आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आप लोग दूसरों से सुनते हो कि यार वहां बड़ी अच्छी ढोल बज रही थी, वहां बड़ी अच्छी चीज थी, लेकिन जब आप वहां जाते हो तो वहां कुछ और होता है। तो ये है प्राइवेट इंडस्ट्री की रियलिटी। देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री में जब आप जॉब करने किसी कंपनी में जाते हो ना, तो कोई बिजनेसमैन होता है जब आपको कंपनी में जॉब देता है बेसिकली, तो वो पहला चाहता है कि हमारा एम्प्लॉय बड़ा स्मार्ट वर्क करे। स्मार्ट वर्क, एक वीडियो मैंने स्मार्ट वर्क की ऑलरेडी बनाई, आप चैनल में जाके देख सकते हो स्मार्ट वर्क के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई है। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरत होती है। स्मार्ट वर्क के साथ आप एक्स्ट्रा टाइम रुको, एक्स्ट्रा टाइम आपको रुकना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आवर वर्क। ये हर कंपनी चाहती है कि फ्री में एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आवर्स वर्क कर दे। हालांकि ये जो है वो लाला टाइप में ज्यादा कंपनी होती है, बट एमएनसीज कंपनीज जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो एक्स्ट्रा आवर के पैसे भी पेमेंट करती है। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है जो इसका गलत यूटिलाइजेशन करती हैं। आपके 8 घंटा जो जॉब का टाइमिंग है उसके बाद भी काम कराती हैं वो। ये है एकदम डार्क ट्रूथ, मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने खुद इस चीज को फेस किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट रख रहा हूं। तो उसके बाद आता है कि भैया आप पॉलिटिक्स से बच के रहो। पॉलिटिक्स ऑफिस में बहुत ज्यादा होती है। ऑफिस में जैसे होता रहता था, जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ स्टूडेंट होते नहीं, सर आपने टेस्ट नहीं लिया था, वो तो एक अलग फनी मोमेंट था, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है। पॉलिटिक्स किस चीज को लेके होती है? वर्क एंड सैलरी, वर्क एंड सैलरी एंड पोजिशन, तीन चीजों को लेकर के इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। तीसरा है पोजीशन। तो आपको इन सब चीजों से बच के रहना पड़ेगा। अगर पॉलिटिक्स में आप फंस गए ना, अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर रुक भी रहे हैं, लेकिन अगर डर्टी पॉलिटिक्स में आप फंस गए तो प्राइवेट इंडस्ट्री विद इन नोटिस पीरियड आपको फायर कर देती है। उसके बाद आता है कि ये फायर करने वाला टर्मिनेशन का मैटर सबसे बड़ा मैटर होता है प्राइवेट इंडस्ट्री, जो अपने आप को तानाशाह समझती है। प्राइवेट टर्मिनेशन मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है प्राइवेट इंडस्ट्री में। जॉब सिक्योरिटी को नहीं ले सकते हैं कि टर्मिनेट कर देंगे ऑन द स्पॉट जॉब से, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करते हुए, इसी प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्क करते हुए आप दुनिया में मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और सत्य नडेला बहुत कुछ बन सकते हो। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट है ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, हर ऑफिस में होते हैं, हर ऑफिस में। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी ऑफिस में जाओ तो ये जो मैंने एक पॉइंट बताया आप लोगों को, ये पूरा बोर्ड पे मैंने जो पॉइंट बता रखे हैं, इस पॉइंट को माइंडसेट में जरूर रखो, क्योंकि अगर इस पॉइंट को आपने दिमाग में रख लिया ना, तो जो गलतियां प्राइवेट इंडस्ट्री में करते हो ना, उससे बच जाओगे। नहीं तो इसी तरह से आप काम करते रहोगे, आपके किसी सीनियर के अंडर में काम कर रहे हो, काम आप करोगे, वाह भाई वो लूट ले जाएगा कि अरे उस तो बहुत अच्छा काम कर रहा। आप किसी के टीम में साथ काम करते हो, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको जरूरत है समझने की, और समझने के बाद उस पर एक्शन लेने की, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। तो बस अगर जो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, उनके लिए ये वीडियो बड़ा खास करके था, चाहे वो पॉलिटेक्निक की हो, चाहे बीटेक की हो, चाहे बीए की हो, चाहे कोई बीटेक या नॉन टेक में डिग्री लिए हो, तो वो इस पॉइंट को जरूर रखें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।